हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का दीपक फार्मा जोन में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कफ क्या है, कफ के टाइप क्या हैं और कौन सी कफ के लिए कौन से कफ सिरप यूजफुल हैं। आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिव कफ के बारे में, प्रोडक्टिव कफ में यूज होने वाले कफ सिरप के बारे में और काज ऑफ प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ के काज जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो सकते हैं, दो में से कोई भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रोडक्टिव कफ में जो कफ सिरप यूज करते हैं हम, वो एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप होते हैं, जो कि मार्केट में अस्कोरिल चुप ब्रांड नेम से इजली अवेलेबल हैं। और ये कफ सिरप जो है ईच 5 ml टर्बुटालिन सल्फेट 1.25 mg, ज्यूफेंसिन 50 mg और ब्रोमहेक्सिन 4 mg कंटेन करते हैं। ये जो टर्बुटालिन सल्फेट होता है, ये ब्रोंकियो डायलेटर होता है, जो कि ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि पेशेंट आसानी से ब्रीदिंग कर पाता है। और गुआफेंसिन जो है, ये गुआफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट होता है, जो भी हमारे लंग्स में एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें बाहर निकालता है। और ब्रोमहेक्सिन जो है वो म्यूकोलिटिक होता है। और इसके डोज की बात की जाए तो ये कफ सिरप एडल्ट में 5 से 10 ml तीनों टाइम दिया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट इसका जो है कि ड्राउसीनेस, हेडेक, नाउसिया, यही देखने को मिलता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि ड्राई कफ पे बात करेंगे। ड्राई कफ क्या है, ड्राई कफ में कौन सा कफ सिरप यूज करते हैं, ड्राई कफ के काज क्या हैं और ड्राई कफ सिरप के डोज, साइड इफ़ेक्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी दवा बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सलाह के न लें, ये आपके हेल्थ के लिए इंजरियस हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।